हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसलिए सभी ने वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ साथ में क्वेश्चन के कंसेप्ट भी आप लोगों को करवाऊंगी। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, तो उसके लिए देखो वर्क की जब बात आ रही, तो वर्क कोई भी कैसे करेगा, उतनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि कितना वर्क करना है, दैट मींस कि टोटल वर्क। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी क्या है जो भी काम कर रहे, दूसरा टोटल वर्क कितना है, कितना काम उसको करना है। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मीनिंग है क्या, मैंने अभी वर्ड यूज किया ना, एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। दैट मींस व्हाट, कि एफिशिएंसी है क्या बेसिकली, कि एक दिन में कोई कितना काम कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन पर डे, एक दिन का काम, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर डे गिवन है तो आप पर डे कह सकते हो, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आर गिवन है तो पर आर कह सकते हो, मींस कि पर यूनिट टाइम कितना काम हम कर पा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, एफिशिएंसी। ओके, अब दूसरा जो बात आता है कि हाँ जी कितने डेज, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में, तो कैसे पता चलेगा भाई मुझे टोटल वर्क पता है। मान लो देखो, एक बात ये देखो, मान लो मेरे पास में मेरा काम है कि मुझे 25 पेजेस टाइप करने हैं। मैं कहती हूँ भाई मेरे को 25 पेजेस टाइप करने हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया ना, ठीक है। और मैं कह रही कि भाई मैं एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 5 पेजेस टाइप कर पा रही हूं, ये क्या होगी, मेरी एफिशिएंसी होगी मतलब। ओके, अब बात आ रही है कि भाई कितने दिन लगेंगे मुझे इसको काम करने में, कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको टोटल टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के अंदर टोटल वर्क हो जाएगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे जितना भी मेरे पास में टोटल वर्क है 25, और एक दिन में मैं कितना कर पा रही हूँ, तो मेरे को कितना टाइम लगा, 5 दिन लगे, सिंपल सी बात है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है कि कितना डे लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशियंसी, यही किया ना हमने, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशियंसी, पॉइंट इज क्लियर। अब इसी तरह से अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास में टोटल वर्क मैंने फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करो, टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करूंगी, अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक दिन में 5 पेज टाइप करती हूँ और मुझे 5 दिन लग जाते हैं पूरा काम खत्म करने में, तो मुझे टोटल मेरा कितना काम है, कितना काम है, दोनों को गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है, 5 × 5 25 पेजेस मैंने टाइप करना है, दैट मीन्स। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम जितने भी मेरे पास में डेज गिवन है, ठीक है, उसको अगर मैं एफिशिएंसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। एक बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट समझ लो, एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद देखना आप क्वेश्चंस कितने अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आई होप सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दो। अच्छा कंसेप्ट समझा रही हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम करते हैं बेटा क्वेश्चन करते हैं, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम है कि मुझे एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, मेरे पास टोटल वर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास में टोटल वर्क और एफिशिएंसी है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के रिक्वायर्ड डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 डेज, ठीक है, जो ए है उसको कितने दिन लग रहे हैं भाई, 16 डेज लग रहे हैं, ओके, एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, और बी को कितने दिन लग रहे हैं, 12 डेज लग रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी, यहां पे सिर्फ शब्दों का ही हेर फेर है, क्या करें, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, मींस व्हाट, कि ए बी और सी तीनों अगर मिलते काम कर रहे हैं, तीन जने कौन है, ए बी एंड सी, तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज लग रहा है, पॉइंट इज क्लियर, ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं,
जब भी बेटा आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, इन दैट केस यू विल टेक द एलसीएम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. ओके, एलसीएम लेंगे 16, 12 and 4, तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया. एलसीएम के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिंपल सिंपल से नंबर्स होते हैं. तो सिंपल ये देखो, सबसे बड़े वाला नंबर देख लिया करो, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, 16, 16 इन दोनों से डिविजिबल है, नहीं है, दैट मींस कि एलसीएम नहीं हो सकता. 16, 2 जा 32, 32 देखो डिविजिबल नहीं है इससे, इससे तो डिविजिबल है बट इससे नहीं है, दैट मींस कि 32 नहीं हो सकता. 16, 3 जा 48, 48 को अगर मैं देखूं तो 12, 4 जा 48 एंड ये भी हो गया, दैट मींस कि दोनों से डिविजिबल है तो एलसीएम क्या आएगा, 48 ही आएगा. तो टोटल वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. जब आपने एलसीएम ले लिया, आपके पास टोटल वर्क आ गया, दैट मींस कि मेरे पास में टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट्स वर्क है. ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या बताया, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम, टोटल वर्क है 48 यूनिट्स और ए उसको करने में 16 डेज ले रहा है, दैट मींस कि एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, कितना, 16 को 4 से, हाँ जी 48 को जब मैं 16 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दैट मींस कि एक दिन का काम कितना हो गया उसका, 3 यूनिट्स हो गए. सेम डे अगर मैं एक बार, एक क्वेश्चन ज्यादा स्लो करवा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. हाँ जी, क्या आ रहा है आपके पास में, हो गया. अब इसी तरह से बी की भी एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर लोगे. बी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया आपके पास, 4. सेम वे इनकी भी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, बेटा कितना आ गया अपने पास में, 12. ओके, मींस व्हाट कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन के अंदर 12 यूनिट वर्क कर सकते हैं, बी अकेला 4 यूनिट वर्क कर सकता है, ठीक है, और जो ए है, ए अकेला है, एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर रहा है. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताओ सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी. तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 12. अगर मैं इसके अंदर से ए और बी दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी. दोनों की एफिशिएंसी को माइनस कर देते हैं, 3 + 4 कितना हो गया, 7. कितनी आ गई हमारे पास में एफिशिएंसी, 5 आ गई. ठीक है, अब हमें पता करना है कि भाई सी कितना टाइम लेगा, तो सी के रिक्वायर्ड डेज कितने आ गए. सी अब टोटल वर्क मेरे पास है, एफिशिएंसी मेरे पास है, डेज फाइंड आउट करें तो डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन का काम. ओके, कितना आ गया, 5 × 9 = 45. क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए. ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 days. तीन लोग हैं हमारे पास, कौन, ए बी एंड सी, इसको लग रहा है 20 days, 30 days and 60 days respectively. In how many days A do the work if he is assisted by B and C on every third day? अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि जो A है वो कितने दिनों में काम को खत्म करेगा अगर B और C उसको हर तीसरे दिन साथ में हेल्प करवा रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना. टोटल वर्क फाइंड आउट करना, दैट मींस कि एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 60 यूनिट्स आ गए. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल वर्क हो गया. अब एफिशिएंसी देखेंगे, ए की एफिशिएंसी 20, 3 = 2 and 1 तीनों की एफिशिएंसी आ गई. अब उसने कहा कि जो ए है, ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन भी ए काम कर रहा है, बट तीसरे दिन बी और सी उसके साथ में लग के उसको काम करवा रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे पे कितना काम होगा, भाई कल्ला ए काम कर रहा है, 3 यूनिट वर्क करेगा, एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर सकता है, दैट मींस कि उसने 3 यूनिट वर्क कर दिया. अगर हम सेकंड डे की बात करें तो सेकंड डे पे भी सिर्फ अकेला ए काम कर रहा है, दैट मींस कि 3 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया. अगर हम थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे पे उसके साथ में बी और सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दैट मींस कि ये करेगा 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट और ये करेगा हमारे पास में 1 यूनिट, दैट मींस कि कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई. ओके, मींस व्हाट कि तीन दिन के अंदर कितना काम हो गया, 3 और 3 = 6, 6 और 6 = 12, 12 यूनिट काम हो गया, 12 यूनिट वर्क कितने दिनों में हुआ,
हाँ जी, 12 यूनिट वर्क कितने दिनों में हुआ है? 3 दिन में हुआ है। कितने दिनों में हुआ है? 3 दिन के अंदर हुआ है। इसी तरह से अगर एक यूनिट वर्क होता तो कितने दिनों में होता बेटा? 3/12 डेज के अंदर हो जाता। अब हमारे पास में टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट वर्क कितने दिनों में होगा? चार चार से हो गया हमारे पास में 15, तो ये कितना आ गया? 15 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 15 डेज। ध्यान क्या रखना है, पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद में स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि आपको दिया क्या हुआ है। अब स्टेटमेंट के अंदर इसने क्या कहा, इफ ए डू द वर्क, इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, तीसरे दिन बी और सी काम कर रहा है। ऐसे भी हो सकता था कि दूसरे दिन बी काम कर रहा है उसके साथ में तीसरे दिन सी काम कर रहा है। तो अगर आपको एक दिन का पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका फाइंड आउट कर लोगे। ओके, जब एफिशिएंसी आ जाती है तो फिर नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, B and C can do the same work in 24 days. A and C can do the work in 36 days. In how many days C will complete the same work alone? C अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? अब हमारे पास given क्या है? A B का work given है। एक ही A B कितने दिन ले रहा है? 18 days ले रहा है। B C 24 days ले रहा है। और C और A कितना ले रहे हैं? A C ले रहे हैं 36 days. ओके, यही है। अब हमने क्या करना है? टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम टोटल वर्क फाइंड आउट करो। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ गया? 72 आ गया। ठीक है, अब 72 ये हो गया आपके पास में 4, 3 एंड 2, ये क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। कैसे फाइंड आउट करें? 72 को 18 से डिवाइड किया 4, 72 को 24 से 3, और ये हो गया बेटा आपके पास 36 को 2 आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। अब पर जो एफिशिएंसी आ रही है वो कल्ले कल्ले बंदे की नहीं आ रही। एफिशिएंसी कैसे आ रही है? ये एफिशिएंसी ए और बी दोनों के मिला के है, ये बी और सी दोनों के मिला के, और ये सी और ए दोनों के मिला के। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास में? 2ABC। ये देखो, सबको अगर मैं ऐड कर देती हूँ एफिशिएंसी को, तो ए दो बार है, बी भी दो बार आएगा, सी भी दो बार आएगा, कितने आएगी? और यहाँ पे हमारे पास में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9। बट अगर मैं कहूं कि ए बी सी की ही एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2, मतलब 4.5 होगी। ठीक है, यार हमारे पास ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, बी सी की है 3। अब साथ में उसने कहा कि सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, मींस व्हाट? कि हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, हमें सी की एफिशिएंसी यहाँ पे चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी? अगर मैं ए बी सी के अंदर से ए बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसके अंदर से 9/2 के अंदर से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ, 4.5 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ, तो मेरे पास में क्या बचेगा? आधा बचेगा। दैट मीन्स की हाफ आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास में? ए बी सी की एफिशिएंसी, उसमें से मैंने इसकी एफिशिएंसी को माइनस किया, मेरे पास में एफिशिएंसी आ गई सी की हाफ। ओके, अब कह रहा है सी कितने टाइम में काम खत्म करेगा, कि तो सी के रिक्वायर्ड डेज कितने आ जाएंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी, कितना आ गया ये? 72 × 2 = 144 डेज। कितना आ गया आपके पास? 144 डेज। क्लियर है? हाँ जी, कोई इसमें डाउट आ रहा हो? कोई भी डाउट आ रहा हो? डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? हाँ जी देखो, क्वेश्चन है आपके पास में, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी के आपके पास में नंबर ऑफ डेज गिवन है। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिव, अब देखो अल्टरनेटिव का केस आ रहा है, अल्टरनेटिव भी इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेटिव का केस इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश ये है कि आपके जितने भी केसेस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बन रहे हैं तो मैं सारे के सारे आपको कराऊं, ताकि उससे रिलेटेड जैसा भी, अगर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप कर लो। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहीं पे कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, ए 9 डेज ले रहा है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है?
12 डेज में कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ दे वर्क फॉर अल्टरनेटिव डेज इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी फिनिश्ड इफ ए बिगिंस द वर्क, अगर काम को ए शुरू कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क फाइंड आउट करना, क्या करेंगे टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास में, 36 आ गया। एफिशिएंसी ए और बी की कितनी आ गई, 4 और 3 आ गई है, क्लियर। अब देखो उसने कहा अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव डेज का मतलब क्या है कि पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया, ए ने काम नहीं किया, फिर तीसरे दिन ए ने काम किया बी ने नहीं किया, मींस एक बार में एक ही पर्सन काम कर रहा है और अल्टरनेटिव डेज पे कर रहा है, एक दिन एक फिर दूसरे की बारी फिर पहले की बारी फिर दूसरे की बारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि भाई ए ने फर्स्ट डे पे, कंसेप्ट को समझो, ए ने 4 यूनिट काम कर लिया, सेकेंड डे पे बी ने 3 यूनिट काम कर लिया, फिर थर्ड डे पे ए ने 4 यूनिट काम कर लिया, फिर फोर्थ डे पे बी ने 3 यूनिट काम कर लिया, पॉइंट समझ आ गया। दैट मींस कि 2 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर मेरे पास में कितना काम हो पा रहा है, 7 यूनिट वर्क हो पा रहा है, कितना वर्क हो पा रहा है, 7 यूनिट वर्क हो पा रहा है, ठीक है। तो देखो 2 दिन के अंदर कितने यूनिट हो रहा है, 7 यूनिट वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम 4 डेज की बात करें तो कितना होगा, 14 यूनिट वर्क होगा, ठीक है। 6 डेज के अंदर 21 यूनिट्स वर्क हो गया, 8 डेज के अंदर 28 यूनिट्स वर्क हो गया, और 10 डेज के अंदर कितना हो गया, 35 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यही है। वैसे तो आप सीधा ही कर सकते हो, 7 5 35 5 2 10, दैट मींस कि 10 दिन के अंदर 35 यूनिट वर्क हो गया अपने पास में। अब 35 यूनिट वर्क अपने पास में कितने दिनों में हो गया, 10 डेज के अंदर। अब मेरे पास में कितना काम बच गया, अगर मैं बात करूं रिमेनिंग वर्क की, अब वो 7 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा ना, 7 7 7 7 जो बचा हुआ काम है, आगे का 7 मल्टीपल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, बचे हुए काम को चेक करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 35 यूनिट वर्क बेटा हो चुका है, रिमेनिंग वर्क हो गया आपके पास में 1 यूनिट। अब बात आती है कि 10 दिन के बाद में 11th डे पे किसकी टर्न आएगी, किसकी टर्न आएगी आपके पास में, शुरू किसने किया था, ए ने किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, ए की बारी आएगी, और ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो 11th डे पे बारी आ गई आपके पास में ए की, तो कितना टाइम लगेगा उसको, जितना भी वर्क है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ओके। तो टोटल कितना डेज लगे, हाँ जी 10 डेज तो ये हो गए, और 1/4 डे ये हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 10 is to 1/4 days, 10 is to 1/4 days, हाँ जी बताइए, क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, हाँ जी कोई भी डाउट आ रहा हो, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, क्या है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 and 30 days, तीनों का टाइम गिवन है आपके पास में, दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्क ए क्विट्स एंड 3 डेज आफ्टर ए बी क्विट्स इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश, टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी। अब लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसको कर लोगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो क्या कहा है उसने, अपने पास में 3 पर्सन है ए बी एंड सी, कितना कह रहे हैं, 25 है बेटा बी का, रेस्पेक्टिवली है ना, तो सीरियल वाइज लेंगे इसको हम, ओके। सबसे पहला काम टोटल वर्क फाइंड आउट करना, टोटल वर्क कितना आ गया, 300, हाँ जी 300 ही आएगा, ठीक है। अब टोटल वर्क आ गया, फिर क्या करते हैं हम, एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 20 से ये हो गया, 20 एकम 20 25 100, 25 से 25 एकम 25, 25 दूनी 50, और ये हो गया बेटा 10, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि देखो ध्यान से समझेंगे इस लाइन को, ध्यान से समझेंगे सभी के सभी, क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर, टूगेदर मींस तीनों ने इकट्ठा काम शुरू किया, दैट मींस ए बी और सी तीनों इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट ये करेगा, ये 12 यूनिट करेगा, और ये 10 यूनिट करेगा, 37 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, दैट मींस कि 37 यूनिट वर्क करेंगे, कब, एक दिन के अंदर, ठीक है। अब देखो कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क ए क्विट,
दो दिन के बाद ए चला गया, जब ए चला गया दैट मीन्स कि दो दिन तो तीनों ने मिलके काम किया है, जब दो दिन तीनों ने मिलके काम किया तो हम पहले चेक करेंगे कि दो दिन के अंदर कितना काम हो गया, ठीक है ना। टू डेज उन्होंने मिलके काम किया तो कितना काम करेंगे, हाँ जी ये हो गया आपके पास में 74 यूनिट्स वर्क हो गया, ठीक है। अब ए चला गया, अब कौन बच गया, बी और सी। ए तो चला गया, बचा कौन, बी और सी, ए क्विट्स। एंड थ्री डेज आफ्टर ए बी क्विट्स, और इसके तीन दिन बाद बी भी चला गया, दैट मीन्स कि बी और सी दोनों ने तीन दिन तक काम किया, तीन दिन के काम किया। अगर मैं बात करूं बी और सी की तो बी 12 यूनिट वर्क करेगा, सी 10 यूनिट वर्क करेगा, दैट मीन्स कि टोटल 22 यूनिट्स वर्क कर रहे एक दिन के अंदर, तो थ्री डेज के अंदर कितना करेंगे, 66 यूनिट्स वर्क करेंगे। फिर बी भी चला गया, अब कौन बच गया, कल्ला सी बच गया, तो उसके लिए सॉरी सी बच गया कल्ला, ठीक है। अब हम पहले ये देखेंगे कि सी को कितना बचा हुआ काम करना, रिमेनिंग वर्क है कितना, फिर सी की एफिशिएंसी के साथ में हम डेज काउंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो पहला काम क्या करना है, अब हमने रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 300 यूनिट। कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, 74 यूनिट ये हो गया और 66 यूनिट ये हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 7 और 6 13 14, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 160 यूनिट्स वर्क रह गया। और अब इसको करेगा कौन, हाँ जी कौन करेगा उसको, सी करेगा, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 यूनिट है, तो सी कितना टाइम लेगा, 160 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी 16 डेज लेगा। सी को कितना टाइम लगा, 16 डेज लगा। अब क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिमेनिंग वर्क को सी ने कितने दिनों में खत्म किया, टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म हो रहा है। तो अगर हम बेटा बात करते हैं टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क के लिए पहले दो दिन ये लगे हमारे, पहले तीनों ने मिलकर काम किया, फिर तीन दिन यहाँ पे लगे बी और सी ने काम किया, और फिर सी ने लगाए 16 दिन, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 3 + 16, दैट मीन्स 21 डेज। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 21 डेज। क्लियर। तो इस तरह से अगर कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है तो आई होप कर लेंगे सभी। क्या किया हमने, उसने कहा कि दो दिन के बाद पहले तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो हमने तीनों का एक दिन का काम देखा कि भाई एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं, तो उसने कहा कि उसके बाद में ए चला गया, तो दो दिन का कितना काम हो गया, दो दिन का हमने कर लिया, तीनों की देखा हमने, तीनों का टोटल किया और दो दिन का काम निकाल लिया। उसके बाद में कह रहा कि बी भी चला गया तीन दिन के बाद, तब बी और सी दोनों काम करे, बी और सी का हमने दोनों का टोटल किया, बी और सी ने तीन दिन में कितना काम किया वो देख लिया हमने। अब टोटल कितना काम हो गया, 140 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 160 यूनिट बच गया। अब 160 यूनिट है वो कौन करेगा, सिर्फ सी ही बचा हुआ है, तो सी ही करेगा उसको। सी कैसे करेगा, अपनी एफिशिएंसी से करेगा। जब सी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है तो 160 यूनिट के लिए कितना दिन लेगा, ऑब्वियसली 16 डेज लेगा वो, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लगा, 21 डेज लगे। ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एंड कुमार वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। दो बंदे, वन इज रवि एंड सेकंड वन इज कुमार, दोनों एक असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। रवि टेक्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस। रवि कितना टाइम लेता है, रवि लेता है 6 आवर टू टाइप 32 पेजेस। अब रवि का टाइम भी गिवन है और रवि का काम भी गिवन है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं रवि की, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है व्हाइल कुमार टेक्स 5 आवर टू टाइप 40 पेजेस। कुमार 5 पेज को टाइप करने के, 5 घंटे लेते हैं 40 पेज को टाइप करने के लिए, तो यहां से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक घंटे में कितना करेगा। एफिशिएंसी ये नहीं कि डेज ही होगा, अगर आर गिवन है तो पर यूनिट टाइम होता है एफिशिएंसी। आर है तो मतलब एक घंटे का काम हम देख लेंगे, दिन है तो दिन का देख लेंगे, मिनट है तो मिनट देख लेंगे, जो भी आपके पास टाइम गिवन है उसका पर यूनिट लेना है, मतलब एक के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोनों की एफिशिएंसी देख सकते हैं। आगे देखो क्या क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टूगेदर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर पे दोनों काम कर रहे हैं, टू टाइप असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस, 110 पेजेस की असाइनमेंट है, दैट मींस कि टोटल काम मेरे पास में है 110 यूनिट, टोटल काम मेरे पास है 110 यूनिट, ठीक है। दोनों के मेरे पास एफिशिएंसी भी है, हम कर लेंगे कैलकुलेट, बिल्कुल कर लोगे। देखो पहले, सबसे पहले मैं रवि की एफिशिएंसी देखती हूँ, हाँ जी कितनी आएगी रवि की एफिशिएंसी, रवि की एफिशिएंसी उसने कहा कि 32 पेजेस 6 आर के अंदर वो कर लेते हैं,
तो ये हो गया हमारे पास में 16/3। क्लियर। दूसरा ये आप ये कह सकते हो 5:1/3। ओके। दूसरा है आपके पास में कुमार। कुमार की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो कुमार की एफिशिएंसी कितनी है, 5 आवर ले रहा 40 पेजेस को टाइप करने के लिए। दैट मींस के 8 पेजेस पर आवर एफिशिएंसी है। दैट मींस ये क्या है, इतने पेजेस पर आवर, ठीक है, इतने पेजेस पर आवर। ओके। अब देखो साथ में है कि उस दोनों को काम करना और 110 पेज टाइप करना है। दैट मींस टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 110 पेजेस है। ओके। अब कितना टाइम लगेगा, अगर दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर दोनों की एफिशिएंसी अगर हम टुगेदर देखते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास है? हाँ जी, 16/3 एफिशिएंसी इसकी थी और 8 यूनिट एफिशिएंसी हमारे पास में इसकी थी। क्लियर। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में बेटा, ये हो जाएगा 40/3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड कर लिया तो ये हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई 40/3 पेजेस पर आवर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क 110 पेजेस, दोनों के मिला के एफिशिएंसी, दोनों के मिला के एफिशिएंसी 40/3। ओके। कितना आ गया, 43 ऊपर चला जाएगा। ओके। कितना आ गया, ये 4×8=32, 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 आवर तो पूरे हैं और ये कितना है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट। That means कि 15 minutes, 8 hour and 15 minutes. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 hour and 15 minutes will be the correct answer. Then next देखिए, next question है, A is 30% more efficient. अब जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एफिशिएंसी खुद से फाइंड आउट करनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑलरेडी एफिशिएंसी गिवन हो। ओके। जैसे यहीं पे कह रहे कि A is 30% मोर एफिशिएंट देन बी, बी से 30% ज्यादा एफिशिएंट है, तो हमने परसेंटेज किया था याद करो। तो अगर मोर कह रहा है तो अगर मैं कहती थी बी 100% एफिशिएंट है, वो 30% ज्यादा है, दैट मींस ये कितना है, 130। ठीक है। दोनों की अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करो, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी आ गई मेरे पास में, इतनी आ गई एफिशिएंसी आ गई एक तरह से मेरे पास। जब हमारे पास एफिशिएंसी है, आगे कह रहा है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, टू टेक कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। कह रहा है कि ए जो है उसको कितना टाइम लग रहा है, 23 डेज लग रहे हैं। अब देखिए हमने और क्वेश्चन में क्या था, टोटल वर्क होता था आपके पास में, डेज होते थे, एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है। अगर आपके पास में नंबर ऑफ डेज गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, तो टोटल वर्क आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। पर ध्यान रखना जिसकी एफिशिएंसी लोगे उसी के ही नंबर ऑफ डेज लेने, दोनों के अगर डेज देने तो दोनों की एफिशिएंसी लोगे, इस बात का ध्यान रखना, जिसके डेज उसी की एफिशिएंसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास में ए के डेज गिवन है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 13, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 13×23, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना लिख लिया। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो अगर टुगेदर की हम बात करते हैं तो उस केस के अंदर देखो कैसे करोगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर एफिशिएंसी, मींस दोनों की मिला के एफिशिएंसी। तो यहां पे टोटल वर्क कितना है आपके पास में ना? और अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13+10 23, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस कितने दिन लगेंगे उनको,
हाँ जी 13 डेज लगेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 13 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, 13 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, डन। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो सभी के सभी? हाँ जी, जो इस तरह के क्वेश्चंस, आज देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर लेते हो? हाँ जी, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर लेते हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो भी कोई इश्यू नहीं है, अभी हम टाइम एंड वर्क पे कुछ क्लासेस और लेंगे, एफिशिएंसी के क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग है, एफिशिएंसी पे अच्छे से कराऊंगी, टेंशन ना लो आप लोग, अच्छे से एफिशिएंसी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट अगर मान लो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है हमारे, है ना, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप सिर्फ टाइम एंड वर्क भी ले सकते हो, टाइम एंड वर्क भी ले सकते हो। तो अभी पीडीए आप लोगों के लिए एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम लेके आया है जिसके अंदर जैसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है वैसा ही उसको मिलेगा। आई मीन टू से कि अगर आप कहते हो कि मैं टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उस केस के अंदर आप टॉपिक वाइज ले सकते हो, जैसे टाइम एंड वर्क मैंने प्रिपेयर करना है, टाइम एंड वर्क ले लिया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की जरूरत है, टाइम एंड डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, नंबर सिस्टम की जरूरत है, नंबर सिस्टम ले लिया। तो उसके लिए करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने ये क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि हाँ जी हम क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्ड माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सभी के टॉपिक वाइज, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं सभी के टॉपिक वाइज गिवन है, तो हर एक टॉपिक की वीडियो कोर्सेज, स्टडी नोट्स, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सारे के सारे अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो उसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज पे जाना है, ठीक है, वहां पे भी आगे फर्दर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वहां पे अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बजाय आप क्या कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जिसके साथ में सॉल्यूशन भी हो, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं हाँ जी मेरे को सिर्फ स्टडी नोट्स चाहिए, तो आप स्टडी नोट्स ले सकते हो, ठीक है, तो वो आपका सारा अवेलेबल है, पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर दोनों चाहिए, वो भी आप ले सकते हो, तो पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी मैं क्वांट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो क्यों ना पूरे का पूरा क्वांट ही ले लूँ मैं, ठीक है, मैथ्स जो है मेरा पूरे का पूरा मैं मैथ्स तैयार कर लेता हूँ। तो उस केस के अंदर वीडियो लेक्चर में जब आप जाते हो, वीडियो लेक्चर्स का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि भाई मेरा तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने प्रिपेयर करना है, आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो आप इंग्लिश ले सकते हो। तो एक बार जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उनको एक्सप्लोर जरूर करके देखना है सभी ने, सभी ने एक्सप्लोर जरूर करना। जो न्यू यूजर है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे सभी ने क्लिक करना है, सो दैट कि जितनी भी वीडियोस आती है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे, ओके। और ये जो क्लास चल रही है एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स के अंडर चल रही है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, इसको आपने ज्वाइन करना है। इसमें काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 के अराउंड मैं लेक्चर्स इसके अंदर दे चुकी हूँ, तो वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे आज की क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसी तरह से सभी क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अलग अलग टॉपिक्स के, तो आप वो भी देख सकते हो। और हर एक लेक्चर वहां पे आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, तो सभी ने इसको ज्वाइन करना है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, कोई चार्जेस नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।